जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 टीम का हुआ ऐलान, वनडे और टी20 में ये टीमें आप सभी को खेलती हुई देखेंगे दिखाई। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ कौन सी भारतीय प्लेइंग 11 टीम का ऐलान किया है, जहां पर आप सभी को 11 सदस्य खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो पूरी डिटेल जानकारी प्लेइंग 11 टीम के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि भारतीय टीम के इस खिलाड़ी ने लोगों से की खास अपील, अब कहा कुछ करने के लिए ऐसा कि जानकर पूरा देश रह गया हैरान, इस महामारी में उठाया ये बड़ा कदम। तो दोस्तों, आखिरकार कौन है ये खिलाड़ी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को लेकर बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट, जारी किया एक ऐसा नोटिस कि देखने के बाद पूरा भारत देश हिल उठा। तो दोस्तों, आखिरकार आईपीएल को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज जीते, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि टीम इंडिया जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों के दौरे के लिए जाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम एक लंबे प्रारूप में मैच खेलने वाली है, जहां पर इस सीरीज में 3 ओडीआई मैच खेले जाएंगे और 3 टी20 मैच में भारतीय टीम भाग लेगी। हालांकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यह तो पता ही है कि विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस बार विराट कोहली के हाथों में नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, इस बार भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली नहीं होंगे, क्योंकि वो इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे होंगे, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही होगी। हालांकि दोस्तों, इसी बीच श्रीलंका बोर्ड ने इस सीरीज के कार्यक्रम का भी पूरी तरीके से ऐलान कर दिया, जहां पर श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी 13 जुलाई को और 22 जुलाई से टी20 सीरीज का आरंभ होगा। और ऐसे में दोस्तों, अब वनडे और टी20 सीरीज के लिए कौन सी भारतीय टीम होगी, इसको लेकर काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय टीम की कमान शिखर धवन के हाथों में रहेगी। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर अब तस्वीर पूरी तरीके से धीरे धीरे साफ होती चला जा रही है, जहां पर हम आपको बताएं इस बार श्रीलंका दौरे के लिए जो भारतीय टीम के कोच होंगे वो राहुल द्रविड़ होने वाले हैं और कप्तान जो है वो शिखर धवन है और वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। जी हां दोस्तों, इन्हीं के अंडर में भारतीय टीम के खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए उतरेंगे। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं जो भारतीय टीम की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उसमें शामिल होंगे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। तो वहीं बात करें मध्यम क्रम की, तो दोस्तों मध्यम क्रम में जिन खिलाड़ियों का नाम लिखा गया है उसमें शामिल हैं सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और राहुल तेवतिया। तो वहीं बात करें गेंदबाजी की, तो दोस्तों गेंदबाजी में चेतन सकारिया को मौका दिया जाएगा, तो भुवनेश्वर कुमार भी टीम में शामिल होंगे, तो वहीं टी नटराजन को भी मौका दिया जाएगा और युजवेंद्र चहल को भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, यही होगी भारतीय प्लेइंग 11 टीम जो कि आप सभी को खेलती हुई दिखाई देगी। बाकी आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में, और आपको क्या लगता है, क्या ये प्लेइंग 11 टीम श्रीलंका को हराने में सक्षम हो पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो वहीं चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, रिद्धिमान साहा ने लोगों से की खास अपील, कहा मेरी कोरोना रिपोर्ट को लेकर अफवाह ना फैलाएं। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने शुक्रवार को लोगों से उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के लेकर अफवाह नहीं फैलाने का आग्रह किया है। दरअसल दोस्तों, साहा ने कहा कि उनकी एक रिपोर्ट पॉजिटिव जबकि दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और ऐसे में खबर थी कि विकेट कीपर बल्लेबाज साहा की रिपोर्ट दूसरी बार भी पॉजिटिव आई और ऐसे में साहा दिल्ली में क्वारंटाइन में रह रहे हैं और पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। जहां पर साहा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा क्वारंटाइन पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, रूटीन चेकअप के तौर पर मेरे 2 बार टेस्ट हुए जिसमें मैं 1 बार नेगेटिव आया और दूसरी बार पॉजिटिव, और मैं अच्छा महसूस अभी कर रहा हूं और सभी से अपील करता हूं कि मेरी इस महामारी की रिपोर्ट को लेकर अफवाह नहीं फैलाएं। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर रिद्धिमान साहा ने काफी बड़ी अपील करी है। बाकी आपकी क्या राय है रिद्धिमान साहा के बारे में, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में इस महामारी के संकट को देखते हुए आईपीएल 2021 को निलंबित कर दिया गया था और ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई सीधे एक्शन मोड में था और यह देखते हुए तुरंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में खेलती हुई दिखाई देगी। हालांकि दोस्तों, हम आपको बताएं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साउथैम्पटन में खेला जाएगा, जहां पर 18 जून से इसका
आरंभ होगा। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें भारत की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो भारत की प्लेइंग 11 टीम के लिए एक बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि रिद्धिमान साह पहले ही टीम से बाहर हो गए। जी दोस्तों, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया। हालांकि अब रिद्धिमान साह की जगह पर आप सभी को ऋषभ पंत टीम में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत की कौन सी प्लेइंग 11 टीम आप सभी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, जो आप सभी को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में टीम खेलती हुई नजर आएगी, उसमें जो भारतीय खिलाड़ी होंगे उसमें नाम शामिल विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, यहां पर हार्दिक जी हां दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा की एक बार फिर से टीम में वापसी करवाई गई है। और वहीं जो बात करें टॉप ऑर्डर की, तो जो टॉप ऑर्डर संभालते हुए नजर आएंगे उसमें शामिल होंगे शुभमन गिल और रोहित शर्मा। ऐसे में दोस्तों यही होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि आप सभी को फाइनल मुकाबले में खेलती हुई नजर आएगी। बाकी दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में, और आपको क्या लगता है कि इसके अलावा किसी और खिलाड़ी को प्लेइंग 11 टीम में शामिल करना चाहिए था या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, युजवेंद्र चहल के माता पिता भी हुए इस महामारी से संक्रमित। धनासिरी ने बताया ऐसा सच की जानकर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां पर चहल के माता पिता की इस हालत के बारे में उनकी पत्नी धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए जानकारी दी। तो वहीं हम आपको बताएं कि युजवेंद्र चहल के पिता की हालत काफी ज्यादा खराब है और जिसके वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया कि मेरी सास और ससुर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और दोनों में ही गंभीर लक्षण है। मेरे ससुर चहल के पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि उनकी सास का इलाज ने देखा कि हालात कितने खराब है। मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ लेकिन आप सब घर पर ही रहिए और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने काफी बड़ी अपडेट दी। बाकी आपकी क्या राय है इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, वनडे और तीन मैचों की T20 सीरीज खेली है। जहाँ पर इस दौरे पर टीम इंडिया के कई प्रमुख खिलाड़ी नहीं की गैर मौजूदगी में भारत की बी टीम श्रीलंका जाएगी। जहाँ पर इस बात को लेकर काफी लंबे समय से कयास था कि आखिरकार कौन सी भारतीय टीम होगी और किसको भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि इस पर अब बिल्कुल तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों हम आपको बताएं कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में सीरीज होने वाली है वो 13 जुलाई से होगी, जहां पर पहले खेली जाएगी और फिर उसके बाद तीन मैचों की T20 सीरीज का कार्यक्रम रखा गया है और T20 सीरीज का आगाज 22 जुलाई से करवाया जाएगा। और दोस्तों श्रीलंका में ये सभी मुकाबले कोलंबो में ही करवाए जाएंगे और ऐसे में भारत की 17 सदस्यीय टीम के ऊपर भी काफी बड़ी जानकारी निकल कर आई है। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।